सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। एग्रीकल्चर चैप्टर चल रहा है और लास्ट वीडियो में हमने ऑयल सीड्स तक के टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम बढ़ रहे हैं आगे, फटाफट टॉपिक्स पे आ जाते हैं, टाइम नहीं लगाना है, वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में, बीवरेजेस के बारे में। बीवरेजेस क्या होते हैं, जो चीजें हम पीते हैं, ड्रिंक्स के तौर पर जिन्हें हम लेते हैं। तो ब्रीवरेज में पहली चीज है हमारे अंदर, हमारे टेक्स्ट बुक के टॉपिक में टी। टी के बारे में कहा गया है ट्रॉपिकल एरियाज और टेम्परेट एरियाज, दोनों ही एरियाज के ये प्लांट है, मतलब दोनों ही तरह की क्लाइमेट्स में टी को उगाया जाता है। फिर टी लीफ इज एंड इट्स टेंडर, स्प्राउट्स आर प्रोसेस्ड एंड इट्स पाउडर एंड स्मॉल लीव्स आर यूज्ड इन ड्रिंक्स। अब देखो, चाय आपने देखी होगी, ये चाय की पत्ती है। आप लोग जो घर पे चाय बनाते हो क्या उसमें ये पत्ती यूज करते हो? यही यूज करते हैं, बट इस तरह का दिखता नहीं है, वो तो दाने दाने जैसा दिखता है कि नहीं? तो ये जो पत्तियां एकदम ताजा ताजा उगी हुई पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को तोड़ा जाता है, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, फिर प्रोसेसिंग करके उनके छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं और वही चाय की पत्ती हमारे घरों पर आती है, हम उसको चाय में यूज करते हैं। हालांकि एकदम फ्रेश पत्ती अगर आप यूज करोगे तो इसका टेस्ट बहुत तगड़ा आता है, ठीक है, कड़क आएगा एकदम, आप पी नहीं पाओगे, कड़वापन ज्यादा फील होगा उसमें। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर चाइना, चाइना के बाद, चाइना फर्स्ट रैंक पर है और हम लोग हैं भैया सेकंड रैंक पर, ये याद रखना, ठीक है। तो वैसे भी कहा जाता है कि ये टी जो है वो चाइना का ही ओरिजिन है, चाइना से ही सबसे पहली बार उसका ग्रोथ हुआ और पूरे वर्ल्ड में फैला। इसके अलावा श्रीलंका, चाइना, इंडिया आर लीडिंग टी एक्सपोर्टर्स। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टी यही तीन देश प्रोड्यूस करते हैं और दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते हैं। स्लोपी लैंड वेयर द वाटर इजिली फ्लोज डाउन, गुड आयरन कंटेंट्स, 20-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड अबाउट 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, और वो भी कैसा, थ्रू आउट द ईयर। अगर आपको टी प्लांटेशन करना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? पहली रिक्वायरमेंट की लैंड स्लोपी होना चाहिए, इसलिए आपने देखा होगा जनरली पहाड़ी एरियाज में टी को उगाया जाता है। स्लोपी रीजन होगा तो कहाँ, जहां पर भी आपने टी प्लांटेशन किया, ये पानी यहाँ पर ठहरेगा नहीं, बह के नीचे चला जाएगा। पानी तो टी को चाहिए, आप देख रहे हो कितना, 200 सेंटीमीटर जैसा रेनफॉल चाहिए, तो अच्छी खासी बारिश होगी वहां ये उगता है। बट बारिश होने का मतलब ये नहीं कि पानी रूट्स के पास जमा रहे, रूट्स के पास पानी जमा नहीं रहना चाहिए, फ्लो करते रहना चाहिए, तो वो पानी बह के निकल जाए, उनको थोड़ा थोड़ा टाइम पर जितना पानी चाहिए होगा प्लांट्स यूज कर लेंगे, बाकी पानी बह जाना चाहिए, इसलिए ये स्लोपी लैंड्स पर उगाया जाता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20-30 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर होना चाहिए, ये सारी कंडीशंस इसके लिए बेहतर है। और बारिश पूरे साल लगभग होनी चाहिए क्योंकि समय समय पर टी को पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा टी कहाँ कहाँ उगाया जाता है, असम में, वेस्ट बंगाल, ये तो दोनों बहुत फेमस हैं ही। इसके अलावा आपको पता होगा उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, इन जगहों पर भी टी उगाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश में भी टी उगाया जा रहा है, लोगों को पता नहीं था, सोचो। असम एंड वेस्ट बंगाल इंडिया का 75%, मैंने पहले बताया दोनों बहुत फेमस है, असम की अपनी एक वैरायटी है टी की, वेस्ट बंगाल की भी टी बड़ी फेमस है, दार्जिलिंग वगैरह की। तो 75% टी प्रोडक्शन इंडिया का अकेला ये दो स्टेट्स कर कर दे रहे हैं। टी लीव्स आर वेरी स्किलफुली प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट्स। अब इसके लिए ना बहुत स्किल की जरूरत है, जैसे कि हमने फार्मिंग का जब हम मेथड डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि कमर्शियल फार्मिंग वगैरह में ये आता है, बहुत स्किल की जरूरत पड़ती है, कब उन पत्तियों को तोड़ना है वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेट ज़्यादा कर दिया, तोड़ दिया तो भी दिक्कत है, जल्दी तोड़ दिया तो भी दिक्कत है, तो वो बहुत ही स्किल चाहिए, कौन सी तोड़नी है वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। कॉफी इज रियर्ड ओवर द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, इनको भी स्लोप्स में ही उगाया जाता है। इनकी एक एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है कि इनको सनलाइट डायरेक्ट नहीं मिलना चाहिए, इनडायरेक्टली मिलना चाहिए, इसलिए इनको छांव में उगाया जाता है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा तो नुकसान हो जाएगा प्लांट को, तो अक्सर पेड़ पौधों की छांव में नीचे की तरफ इन प्लांट्स को उगाया जाता है, ठीक है। कॉफी को भी 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक, मतलब अच्छा खासा बारिश चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15-28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, स्लोपी माउंटेन लैंड पर उगाया जाता है। सबसे ज्यादा कॉफी इंडिया के अंदर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन तीन स्टेट्स में सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जा रही है। कर्नाटका का जो कुर्ग एरिया है, कुर्ग, ये कॉफी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और आपने सुना होगा इंडिया में सबसे ज्यादा जो कॉफी उगाई जाती है वो अरेबिका वैरायटी की उगाई जाती है, वो यहाँ पर नहीं दिया है बट आप जान लो, अरेबिका वैरायटी की कॉफी इंडिया में सबसे ज्यादा उगाई जाती है।
कॉफी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स, ग्राइंडेड एंड देन इट इज यूज एज अ ड्रिंक। तो जैसे देख रहे हो आप इनके प्लांट्स का, ये टेक्स्ट बुक की इमेज ली है मैंने, याद रखना टेक्स्ट बुक की इमेजेस दे के पूछते हैं वो लोग। तो इस तरह के ना नट्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े दाने टाइप के होते हैं, उनको निकाला जाता है सुखा के, क्रश करके, फिर उसमें से कॉफी बनाया जाता है। तो इस तरह की कॉफी की प्रोसेसिंग होती है। और भी कुछ मेथड्स हैं कॉफी बनाने के, बट ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला। कोकोआ इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड्स। कोकोआ यानी जिससे हम चॉकलेट्स बनाते हैं, चॉकलेट सिरप्स और मतलब वैरायटी। आजकल तो लोग चॉकलेट के बिना रह नहीं पाते भाई, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये। तो कोकोआ, कोकोआ फ्रूट के सीड्स से बनता है। आप देख रहे हो ये कोकोआ का प्लांट है, इसमें इस तरह का ये देखो उगा हुआ है, ये फ्रूट है उसका, इसके अंदर इस तरह के बीज आते हैं। ये ऐसे नहीं होते हैं, इसका रियल में जो टेक्सचर होता है ना, ये तो सूखा देने के बाद का है। जब वो सूखा नहीं रहता ना, फ्रेश रहता है, उसको आप तोड़ोगे तो ये जो अंदर ये आपको ब्राउन ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट कलर के दिखते हैं। जैसे कस्टर्ड एप्पल होता है ना हमारा, सीताफल वगैरह, उसको तोड़ते हो तो अंदर कैसे वो बीज के ऊपर वो व्हाइट 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 लपटाया रहता है, तो कुछ इस टाइप का ये दिखने में रहता है जब ये फ्रेश होता है। फिर इसको हम क्या करते हैं, सुखा उखा के इस तरह का बना के इसमें के बीज वगैरह निकाल के और आगे की प्रोसेसिंग की जाती है, देखते हैं आगे। तो कोकोआ से ही चॉकलेट बनता है। इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट चाहिए और ह्यूमिडिटी हो, मॉइस्चर ज्यादा हो एटमॉस्फेयर में, ऐसा क्लाइमेट चाहिए, बारिश अच्छी खासी होनी चाहिए। सबसे ज्यादा कोकोआ वगैरह अफ्रीकन कंट्रीज में उगाया जाता है, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में बहुत ज्यादा कोकोआ उगाया जाता है और लगभग दुनिया भर को वहीं से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। कोकोआ प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ है बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, कहाँ पर, केरला में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, ठीक है। रियल में इसका भी जो टेस्ट होता है कॉफी का, सॉरी कोकोआ का, ये भी बहुत कड़वा होता है। अगर ये निकाल के दे देंगे ना, दिखने में तो बड़ा सुंदर दिख रहा है आपको, ब्राउन ब्राउन चॉकलेट जैसा, लेकिन ये अगर खा लोगे तो थूक दोगे, उल्टी कर दोगे, ठीक है, बहुत कड़वा होता है। इसकी जब प्रोसेसिंग वगैरह की जाती है, उसके बाद उसमें चीनी वीनी डाल के जो हमको चॉकलेट बेचे जाते हैं मार्केट में, तो उसमें तो शुगर वगैरह रहता है, तो वो थोड़ा मीठापन लगता है। जो डार्क चॉकलेट आती है, और अगर डार्क चॉकलेट में बिल्कुल भी शुगर ना डाला जाए, तो वो जो टेस्ट है कुछ उस टाइप का इसका टेस्ट होता है, उससे भी थोड़ा ये कड़वा होता है। कॉटन, कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, खरीफ सीजन में उगाया जाता है। इट होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया। तो इंडिया के कैश क्रॉप्स में और खास करके गुजरात के कैश क्रॉप में कॉटन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये दो मेन मतलब दोनों ही के लिए, चाहे गुजरात की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में इंडिया का रैंक सेकंड है कॉटन प्रोडक्शन में, सेकंड रैंक पर आते हैं हम लोग कॉटन प्रोडक्शन में। और यूसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन दोनों, मतलब सब चीज ले जाए, देखो प्रोडक्शन में भी सेकंड पर हैं हम, यूज करने के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में, दुनिया के देशों को बेच भी रहे हैं, खुद भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और प्रोडक्शन भी बहुत सारा यूज कर रहे हैं, हर मामले में हम लोग कौन सा रैंक पर है, सेकंड रैंक पर। इसके अलावा कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट, देख रहे हो आप कैसा होता है कॉटन प्लांट, इसमें ये ऊपर 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 होता है रुई, इसके बीच बीच में बीज भी होती है इसकी, फिर ये रुई को अलग करके इसमें से बीज अलग करके वो बीज का ऑयल वगैरह बनाया जाता है, फिर बचा कुछ एनिमल्स के लिए बना दिया जाता है खाने के लिए, और ये जो रुई रुई निकाल लिया है ये हमारा कॉटन, चाहे कपड़े बनाने में यूज करो, गद्दे वगैरह, तकिया वगैरह बनाने में यूज करो, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीजें, व्हाइट गोल्ड कहा गया है इसको इंडिया में, इंडिया का व्हाइट गोल्ड है, बाहर जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कितना कुछ मिल रहा है आपको, कॉटन मिल रहा है तो उससे कपड़े वगैरह सब में यूज हो ही रहा है, बीज से आपको ऑयल भी मिल रहा है, फिर जो वेस्ट बच रहा है उसको भी आप यूज कर रहे हो, तो बहुत ही यूजफुल है, इसलिए इसको व्हाइट गोल्ड कहा गया है। कीमती है, बहुत कुछ अर्निंग करके हमको दे रहा है। बिसाइड्स द कॉटन सीड ऑयल इज यूज्ड टू प्रिपेयर एडिबल, ये तो मैंने बता दिया आपको। ब्लैक लावा सॉइल की जरूरत पड़ती है इसको उगाने के लिए, और वो भी कैसा, जो ह्यूमिडिटी को लंबे समय तक रिटेन कर सके, ऐसा होना चाहिए। इसके अंदर मिनरल कंटेंट्स भी अच्छे खासे होने चाहिए, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए उस एरिया में, 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें तो लगभग नहीं याद रहती हैं, बट बाकी मेन मेन चीज़ें अच्छे से याद रखना। 30 से 70 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए, ये सारी कंडीशंस हैं कॉटन को उगाने की, ठीक है। फिर बात करें, ग्रोइंग सीजन ऑफ कॉटन इज अबाउट 6 to 8 months, 6 से 8 महीना लगता है इसको ग्रो करने में। तो मतलब अगर आपने एक सीजन में ये लगा दिया तो दूसरा क्रॉप जनरली शायद ही आप उस साल में ग्रो कर पाओगे। तो 6 से 8 महीने का टाइम लगता है इसको उगाने में। फ्रॉस्ट डैमेजेस द क्रॉप, अगर ठंडी ज्यादा पड़ गई तो भी दिक्कत हो जाएगा, क्रॉप खत्म हो जाएगी, तो इसको ठंडी ज्यादा नहीं चाहिए। इसलिए आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में कॉटन वगैरह नहीं उगाया जा रहा,
क्योंकि ठंडियों के समय वहां बहुत तगड़ी ठंडी पड़ती है। ठीक है, तो ज्यादातर कहाँ उगता है, देखो गुजरात में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, या तो साउथ के स्टेट्स हैं या तो वेस्ट के स्टेट्स हैं। फिर गुजरात के जो फार्मर्स हैं उन लोग ने स्पेशली बीटी कॉटन सीड्स, ये हाई यील्ड वैरायटी के कॉटन सीड्स हैं, इनका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। गुजरात में इसका यूज बहुत ज्यादा होता है इस सीड का, इस वजह से गुजरात में प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है कॉटन का। इंडिया के अंदर गुजरात फर्स्ट पर आता है कॉटन प्रोडक्शन में, तो पूरे इंडिया का मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन कर रहा है, गुजरात कर रहा है। और खाली प्रोडक्शन ही नहीं, ग्रो करने के मामले में सबसे ज्यादा एरिया में उगाया भी जाता है गुजरात के अंदर, उससे प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और साथ ही साथ जो क्वालिटी है कॉटन की वो भी सबसे अच्छी गुजरात में ही उगाई जा रही है पूरे इंडिया में। तो गुजरात के लिए मतलब बहुत प्राउड वाली बात है कि भाई कॉटन के मामले में गुजरात बहुत आगे है। गुजरात के अंदर कहाँ कहाँ उगाया जा रहा है, तो लगभग सभी जगह उगाया जा रहा है। सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, मेहसाना, कुछ दो चार याद कर लेना, ठीक है, तो इन सब जगहों पर उगाया जा रहा है। फिर बात करते हैं हम सुगर केन की। गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, तो बोला है सुगर केन इंडिया में एक मेजर क्रॉप की तरह गिना जाता है, मेन मेन क्रॉप में इसकी गिनती होती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेती इंडिया में होती है सुगर केन की, प्रोडक्शन नहीं, खेती, मतलब आप उगाते बहुत ज्यादा स्केल पर हैं, वहां से आउटपुट जितना मिल रहा है वो फर्स्ट पे नहीं है। हम प्रोडक्शन के मामले में हम लोग कौन से रैंक पर हैं, देखो सेकंड रैंक पर हैं, फर्स्ट पर कौन है प्रोडक्शन में, ब्राजील। तो ज्यादा एरिया में उगा रहे हैं लेकिन आउटपुट के मामले में हम लोग सेकंड रैंक पर हैं, फर्स्ट रैंक पर ब्राजील है। सुगर केन से क्या क्या बन रहा है, देखो सुगर, गुड़, खांडसरी, और इसके अलावा इथेनॉल, इसका जो जूस वगैरह निकाल के उसका फर्मेंटेशन करके इथेनॉल वगैरह बनाया जाता है। आजकल इथेनॉल फ्यूल के तौर पर भी यूज हो रहा है, ड्रिंक्स के तौर पर तो यूज होता ही है, मेडिसिन में भी यूज होता है, तो बहुत सारा यूज है सुगर केन का देखा जाए तो। ब्लैक फर्टाइल एलुवियल लावा सॉइल इसके लिए बहुत बेहतर होती है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 75 से 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल, बारिश भी ठीक ठाक चाहिए इसको। उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो प्रोडक्शन के मामले में तो नहीं लिखा है, बट ग्रोन एरिया सोन के मामले, मतलब खेती ज्यादा, जैसे बताया ना कि इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उगाता है, प्रोडक्शन के मामले में सेकेंड रैंक पर है, वैसे ही इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा उगाता कौन है, उत्तर प्रदेश, ज्यादा एरिया में उगाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें नंबर वन उत्तर प्रदेश है, लेकिन प्रोडक्शन में इंडिया के अंदर नंबर वन पर कौन है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अब क्यों ऐसा है, देखो महाराष्ट्र में जो गन्ने उगाए जा रहे हैं ना वो उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, मोटे मोटे होते हैं, तो उसका जो जूस वगैरह उसमें ज्यादा निकलता है, तो बहुत यूजफुल होता है, मतलब आउटपुट ज्यादा मिल जा रहा है ऐसा कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा साउथ गुजरात, सौराष्ट्र प्रोड्यूस मोर सुगर केन इन गुजरात, तो गुजरात के अंदर दो राज्य, कौन से दो राज्य बोल रहा हूँ, सॉरी, गुजरात राज्य के अंदर साउथ का जो एरिया है हमारा, साउथ गुजरात का, जैसे कि भरूच है, वापी, वलसाड़ी, सब का एरिया है, तो इन जगहों में, उसके अलावा सौराष्ट्र का जो इलाका है हमारा, देख सकते हो पोरबंदर, जूनागढ़ वगैरह, तो उन सब एरियाज में भी मतलब ये जो है सुगर केन की खेती बहुत ज्यादा होती है। फिर बात कर रहे हैं जूट की, तो जूट जो है दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो लिखा इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, तो इसमें हम नंबर वन पर हैं जूट के प्रोडक्शन में। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा गया है क्योंकि एक तरह से फाइबर है ये, इसके जो धागे वगैरह बनते हैं, कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं उससे, आप देख सकते हो, तो बहुत ही वैल्यूएबल है, इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहा गया है। 1 मार्क्स में ये सब सारी चीजें पूछते हैं, याद रखना। पीछे हमने देखा व्हाइट गोल्ड किसको कहा गया है, कॉटन को, और इसको क्या कहा गया है, जूट को, गोल्डन फाइबर। क्या क्या बनता है, जूट के कपड़े बनते हैं, गनी बैग्स, वो बोरियां बनती हैं, मैट्रेसेस, गद्दे वगैरह बनते हैं, रोप्स, बैग्स, फुटवेयर्स, हैंडीक्राफ्ट के आइटम, ये सब सारी चीजें यहाँ पर लिस्ट आउट कर रखी है, ये भी टेक्स्ट बुक की ही इमेज है। ठीक है, इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन फ्रॉम बांग्लादेश विथ रिगार्ड्स टू चीप लेबर इन इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहां पर क्या है ना, बांग्लादेश जो है वो इंडिया का तगड़ा कॉम्पिटिटर है जूट के मामले में देखा जाए। अब ऐसा क्यों है, देखो जो मेजर एरिया है ना, ठीक है, बंगाल का एरिया, उसमें से एक है हमारा ये वेस्ट बंगाल जो हमारे इंडिया का पार्ट है, और ये था पहले ईस्ट बंगाल, पहले ये भी तो इंडिया का ही पार्ट था जो कि बाद में बांग्लादेश हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया ना, ये बेल्ट ही जूट के लिए फेमस है, बहुत सारा जूट का प्रोडक्शन यहीं पर होता है, तो वही आधा आधा बट गया, कुछ हमारे हिस्से में, कुछ बांग्लादेश बन गया है, तो
तो इस वजह से दोनों जगह पर प्रोडक्शन अच्छा खासा है। अब हम प्रोडक्शन तो ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हमारा यूज भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और बांग्लादेश वाले जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका यूज कम है, तो वो लोग एक्सपोर्ट के मामले में काफी अच्छे हैं, तो पैसा अच्छा खासा बना रहे हैं। दूसरा ये कि उनके यहाँ लेबर सस्ता है हमारे कंपैरिजन में, तो उस वजह से वो लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, तो वो इंटरनेशनल मार्केट में कम दामों में चीजें बेचकर पैसा कमा ले रहे हैं। इसकी वजह से हमको थोड़ा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है इन लोगों से, ठीक है। जूट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल ऑफ डेल्टा रीजन। डेल्टा रीजन आपने पढ़ा होगा, वो नदियों का पूरा, दो तीन तरफ से नदियां आ रही है, बीच में पूरा जो सेडिमेंट डिपॉजिट करते हैं उसको हम डेल्टा रीजन कहते हैं। तो वो रीजन पूरा इस एरिया में पड़ता है, तो वो क्लाइमेट, वो सॉइल वगैरह उसके लिए बहुत सुटेबल है जूट के लिए। 32 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश चाहिए, पूरा मॉइस्चर होता है सॉइल में, नमी रहती है हरदम, पूरा दलदल का एरिया होता है वहां उगाया जा रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है बारिश वारिश तो वहां अच्छी खासी होगी, तभी होगा, तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर का रेनफॉल चाहिए। जूट गंगा के डेल्टा एरियाज में, वेस्ट बंगाल में जो पड़ते हैं, इसके अलावा असम में, बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, इन सब जगहों पर उगाया जाता है, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर बात करते हैं टोबैको की, तो टोबैको ठीक है हार्मफुल होता है वैसे तो, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, बहुत सारा इकोनॉमिक इस पे भी डिपेंड हुआ है, मतलब अच्छी खासी इनकम है, बहुत सारी फैक्ट्रीज इनसे अच्छा खासा सोर्स कमा रही हैं। और दूसरा ये कि बहुत सारे किसान भी जुड़े हुए हैं, उनको भी पैसा कमाने को मिल रहा है भाई इससे, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो टोबैको एक खरीफ क्रॉप है, इसको सैंडी लोमी सॉइल की जरूरत पड़ती है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस जितना दे दो, 100 सेंटीमीटर या उसके आसपास की बारिश दे दो उसके लिए वो सही है, ठीक है, इतने में वो उग जाता है। सॉइल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ऐसा कहा गया है, डिटरमाइनिंग फैक्टर देन क्लाइमेट। क्लाइमेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल, क्लाइमेट थोड़ा बहुत इधर उधर होगा चलेगा, लेकिन सॉइल अच्छी होनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग सैंडी लोमी सॉइल होगी तो ही वो उगेगा। जो दुनिया में सबसे ज्यादा टोबैको प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं, चाइना, ब्राजील, इंडिया, यूएसए, मतलब दुनिया भर को ये जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खिला पिला रहे हैं, यही 4 देश सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका, इंडिया के अंदर ये स्टेट सबसे ज्यादा टोबैको प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। इसके अलावा बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में चरोतर रीजन जो है, खेड़ा वगैरह एरिया पड़ता है, इसके अलावा आनंद, इन एरियाज में टोबैको प्रोडक्शन बहुत तगड़ा होता है। उसके अलावा मेहसाना, वडोदरा, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट, ये सब टोबैको ग्रो करने में बहुत आगे हैं। अबाउट 80% ऑफ बीड़ी टोबैको ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस इन गुजरात। वो जो टोबैको बीड़ी में यूज होता है, टोबैको भी कई वैरायटी के आते हैं, ठीक है, वो कुछ लोग ऐसे तंबाकू बना के खाते हैं, कुछ सिगरेट्स में यूज होते हैं, कुछ बीड़ी में यूज होते हैं, तो जो बीड़ी में यूज होने वाला टोबैको है उसका 80% तो अकेला कहाँ उगता है, गुजरात में उगता है। तो इससे क्या क्या बनता है, गुटखा वुटखा भी बनता है, बीड़ी सिगरेट स्नफ, वो स्नफ क्या होता है, वो नहीं ऐसे सर्दी जुकाम होता है छींकने के लिए लोगों को ऐसे सुंघाया जाता है, छींकते हैं, तो वो सब चीजें भी इससे बनती हैं, ठीक है, टोबैको से। ऑफकोर्स हार्मफुल है हेल्थ के लिए। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू बैन टोबैको गुटखा। इंडिया में टोबैको वाला गुटखा बैन करने में सबसे पहला स्टेट कौन सा है, सिक्किम, इसी ने ये शुरुआत की थी, और बाद में बाकी स्टेट्स जो थे इसके पीछे पीछे उन्होंने भी कुछ जगहों पर बैन किया है, सब जगहों पर नहीं है, ठीक है। रबर, रबर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ मिल्क यूजिंग आउट ऑफ द लेटेक्स ट्रीज। ये लेटेक्स का ट्री है, देखो कैसे कट किया हुआ है, और ये कट से इसका जो ट्री का मिल्क निकल रहा है वो मिल्क को इस बकेट के अंदर कलेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो इस ट्री को लेटेक्स ट्री कहते हैं, ठीक है, इसी के मिल्क से रबर बनता है, ये देख लो आप कलेक्ट किया हुआ। इसमें फिर एसिटिक एसिड मिक्स किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है, हल्का गर्म वरम करके फिर धीरे धीरे प्रोसेस करके उससे रबर वगैरह बनाया जाता है। रबर के बहुत सारे यूजेस हैं, ये तो सभी को पता है भाई, एक तो हम वो पेंसिल से लिखने का मिटाने वाला इरेजर, वो भी रबर का ही है, टायर्स, ट्यूब्स, सब चीजें रबर से ही बन रही है, ठीक है, रबर बैंड्स बहुत सारे यूज है, ठीक है। रबर प्लांटेशन इज कैरिड आउट इन द रीजन ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। गर्म होना चाहिए, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होना चाहिए, ऐसा क्लाइमेट हो वहां पर इसको उगाया जाता है, बेसिकली इंडिया के साउथ स्टेट्स जो है, साउदर्न स्टेट्स, वहां पर ऐसा क्लाइमेट बनता है और वहां पर ही ज्यादा उगाया भी जाता है। मलेशिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मलेशिया फर्स्ट रैंक पर आता है रबर के प्रोडक्शन में, और अगर ऐसा कहें कि मलेशिया की इकोनॉमी ही रबर पर डिपेंडेंट है तो वो गलत नहीं होगा। मलेशिया पहले बहुत बैकवर्ड कंट्रीज में काउंट होता था, उनके यहाँ पर इस फील्ड में, रबर के प्लांटेशन के फील्ड में उन्होंने बहुत सारा काम किया, और उसके बाद इतना ग्रोथ उन्होंने अचीव किया, तो
तो देखा जाए तो मैं वही कह रहा हूँ कि इकोनॉमी जो है मलेशिया की बेसिकली रबर पे डिपेंडेंट है, रबर से बहुत ज्यादा उनका इनकम है। इंडिया में बताया जैसे साउथ के जो स्टेट्स है वहां पर ज्यादा उगाया जाता है, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम। आसाम ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, दो आसाम और त्रिपुरा, यहाँ पर भी उगाया जा रहा है, और ये साउथ के स्टेट्स। तो ये हो गया हमारा रबर। मेडिसिनल कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, जो मसाले हैं या फिर मेडिसिनल कॉन्डिमेंट्स मतलब ऐसे मसाले या ऐसे प्लांट्स जिनको हम मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं, ठीक है, आयुर्वेद वगैरह में इन सब का मेंशन है। तो गुजरात, पहले हम इन सब में बात करें तो बात की गई किसकी, कमिन सीड्स की, ठीक है। कमिन सीड्स यानी कि जीरा, जीरा के प्रोडक्शन में गुजरात फर्स्ट रैंक पर आता है, सबसे ज्यादा जीरा का प्रोडक्शन गुजरात करता है। इसके अलावा फेनल सीड्स, फेनल सीड क्या होता है, फेनल सीड यानी सौंफ होता है, सौंफ सुना होगा ना आपने, क्या डबल हो रहे तो क्या होता है सौंफ, ठीक है, वो अपने माउथ फ्रेशनर वगैरह में भी खाते हैं, ठीक है। जीरा, सौंफ और इसबगुल, इसबगुल भी जो होता है देखो वो ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है, देखा जाए तो वो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। कई लोगों को ना अगर पेट वेट की समस्या है तो उनको इसबगुल दिया जाता है घोल के पीने के लिए। तो ये तीनों के ही प्रोडक्शन में, चाहे कमिन की बात हो, फेनल की बात हो, इसबगुल की बात हो, तीनों के ही प्रोडक्शन में गुजरात नंबर वन है। इसके अलावा इंडिया में ड्राइड कोरिएंडर, सूखा धनिया, फेनुग्रीक यानी वो मेथी वगैरह, ये देख रहे हो आप यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट किए हुए, मस्टर्ड है, कोरिएंडर सीड्स है, धनिया, ठीक है, फिर ये हमारे लौंग हैं, क्लोव्स, क्यूमिन, जीरा, फिर फेनुग्रीक, मेथी, सिनेमन, दालचीनी जिसको कहते हैं हम, ब्लैक कार्डेमम यानी काली वाली इलायची, ग्रीन कार्डेमम यानी हरी वाली इलायची, ये सारे मसाले के तौर पर हम यूज करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्शंस इंडिया में होते हैं। इंडिया कंट्रीब्यूट्स 35% इन द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कॉन्डिमेंट्स, मसालों के प्रोडक्शन का, जितना भी दुनिया मिलकर कर रही है उसका 35% अकेला इंडिया करता है। तो मसालों के मामले में तो हम भाई आज से नहीं, कई मतलब हजारों सालों से फेमस हैं। तो ये कई हमारे एग्जांपल्स दिए हैं इसमें। फिर अश्वगंधा, तुलसी, करियाटू, ये सब अलग तरह के जो हमारे मेडिसिनल कॉन्डिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इनमें आपने कई बार नाम सुना होगा अलग अलग, जैसे एलोवेरा वगैरह है सुना होगा, स्किन केयर में बहुत यूज होता है, ठीक है। फिर ये तुलसी, तुलसी के अपने बेनिफिट्स हैं, वो सर्दी जुकाम हुआ तो उसमें भी हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये मक्खियां भी यहाँ पे आके पड़ रही हैं ऑटोमेटिकली बोर्ड को आगे वो कर रही हैं। तो ये हमारे सारे प्लांट्स वगैरह जो कॉन्डिमेंट्स में यूज होते हैं। फिर है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स में इंडिया रैंक्स सेकंड। देखो यार मैंने बताया था आपको जो पिछले वीडियो में भी हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो हर चीज के मामले में ये चाइना वालों ने हमको पीछे कर रखा है, ठीक है। जहां हम सेकंड है वहां ये चाइना वाला ही फर्स्ट है। एक हमने देखा सुगर केन वाले मामले में ब्राजील थोड़ा आगे था, बाकी तो हर जगह चाइना वालों ने हमको पीछे कर रखा है। तो वैसे भी देखा जाए तो आपने वीडियोज वगैरह भी कई बार देखे होंगे, रील्स शॉर्ट्स सब में आते ही रहते हैं कि चाइना वाले बड़ी वैरायटी वैरायटी के फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं। यार मैंगो इतनी वैरायटी के उगा देते हैं, ऑरेंज भी कई वैरायटी के उगा देते हैं। आजकल इंडिया के मार्केट्स में देखा जाए तो कई वैरायटी के फ्रूट्स चाइना से ही आके भर गए हैं। तो सेकंड रैंक पर है इंडिया चाइना के बाद। कई तरह के फ्रूट्स हमारे यहाँ उगाए जाते हैं भाई, ठीक है। बनानास तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, तमिलनाडु फेमस है उसके लिए। गुजरात और महाराष्ट्र में भी, सॉरी गुजरात महाराष्ट्र भी फेमस है बनाना के लिए। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में एप्पल्स बहुत ज्यादा उगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब में ग्रेप्स वगैरह बहुत सारा उगाया जा रहा है। अब हालांकि हमारे यहाँ ग्रेप्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, उगा तो रहे हैं हम, बट जितना हम उगा रहे हैं उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ यूज है उसका। इस वजह से हमें ग्रेप्स दूसरे देशों से भी मंगाना पड़ रहा है। कहाँ कहाँ से मंगाते हैं हम, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों से हमारे यहाँ ग्रेप्स इम्पोर्ट भी किया जा रहा है। इसके अलावा हमारे यहाँ फ्लावर्स भी बहुत सारे उगाए जाते हैं, रोज, जूई, मोगरो, गलगोटा, ये सब मतलब कमर्शियल स्केल पर, बड़े स्केल पर उगा कर हम अपने देश में भी यूज कर रहे हैं। आपने देखा डेकोरेशंस वगैरह में बहुत जगह पर यूज होता है, उन फ्लावर्स से परफ्यूम वगैरह भी बनाया जाता है, तो बहुत सारे यूज में उन मतलब आते हैं फ्लावर्स। तो ये कई तरह के फ्लावर्स हमारे यहाँ कमर्शियल स्केल पर उगाए जा रहे हैं। तो कई क्रॉप्स हैं इंडिया में उगाए जा रहे हैं जो यहाँ पर बताया हुआ है। तो अब जो है पढ़ेंगे हम टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्निकल
टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या हुआ? देखो टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या आता है, द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन सीड्स फर्टिलाइजर्स एंड फार्म इम्प्लीमेंट्स, यानी कि ऐसा कह सकते हैं हम कि टेक्नोलॉजी के टर्म्स में क्या क्या रिफॉर्म्स हमने लाए हैं, किस तरह से चीजों को हमने इम्प्रूव करवाया है, इसे कहते हैं हम टेक्निकल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो जैसे कि उसमें क्या क्या आ सकता है कि हाइब्रिड सीड्स डेवलप कर लिए हमने, ऐसे सीड्स को डेवलप किया है कि वो जो प्लांट्स उससे उगेंगे वो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वाले होंगे, बीमारियों से लड़ सकने की कैपेसिटी अच्छी होगी, कम हाइट में भी वो ज्यादा प्रोडक्शन दे सके, इस तरह के। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बहुत सारे मॉडर्न मेथड्स हमने मतलब ऐसे डेवलप कर लिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए हैं कि हमारे किसानों का काम आसान हो जा रहा है और फास्ट हो जा रहा है। तो इस तरह को लेकर जो भी हमने रिसर्चेस किए हैं, रिफॉर्म्स किए हैं, दैट इज टेक्निकल रिफॉर्म्स। तो यहाँ एग्जांपल्स में दिया हुआ है कि जैसे द फार्मर हु अर्लियर यूज्ड लेदर बकेट्स एंड वाटर व्हील नाउ यूज सबमर्सिबल पंप्स, मोनोब्लॉक पंप, सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर्स। तो पहले के समय में देखो क्या होता था ना, इरिगेशन की फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती थी जहां पे, कुछ जगहों पर तो चलो नदियां वगैरह आसपास होती थी, उससे लोग नाला बना के पानी अपने खेतों तक पहुंचा लेते थे, बट जहां ये प्रॉब्लम्स थी कि नदियां नहीं है ऐसा कुछ है, तो वो लोग क्या करते थे कि कहीं दूर से कोई नाला बह रहा है तो वहां से एक नाला बना के अपने खेतों तक लाते थे। और वो कैसे, वाटर व्हील्स होते थे, ऐसा गोल सा पूरा व्हील होता था, उसमें ऐसा बकेट टाइप का लगा होता था, जब व्हील को घुमाते थे तो बकेट उस हिस्से से पानी खींच के इधर फेंकता था, इधर खींच के इधर फेंकता था। तो इस तरह से वाटर व्हील्स का यूज होता था। उसके अलावा हम देख रहे हैं लेदर बैग्स का इस्तेमाल, जो मशक हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ये लेदर बैग्स वगैरह क्या करते थे, इसमें लोग पानी भर भर के एक जगह से लाकर अपने खेतों में डालते थे। तो इस तरह से लोग पहले, मतलब कितना ज्यादा टाइम जाता होगा और कितनी मेहनत लगती होगी लोगों को। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास पंप्स वगैरह अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, डीजल से चलने वाले, सोलर एनर्जी से चलने वाले, ऐसे बहुत सारे हमने अब डेवलप कर लिए हैं पंप्स वगैरह, जिससे किसानों का काम एकदम आसान है। आप मशीन चालू करके बैठो, आराम से पानी पहुंचता रहेगा। उसके अलावा पानी का वेस्टेज हो रहा था तो उसे कम करने के लिए अब जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर्स वगैरह यूज किए जाने लग गए हैं। ड्रिप इरिगेशन आपने देखा होगा, पाइप्स पूरे बिछा दिए जाते हैं खेत में और उन पाइपों में छोटे छोटे छेद होते हैं, पूरा पानी का सप्लाई जाता है, थोड़ा थोड़ा करके उस छेद में से पानी वहां पर जहां तुमने सीड लगाया हुआ है, जहां प्लांट लगाया हुआ है, वहां पर थोड़ा थोड़ा पानी पहुंचता रहता है। स्प्रिंकलर्स में क्या होते हैं, गार्डन्स वगैरह हमने देखे होंगे, वो पूरा से घूमता रहता है, चारों तरफ पानी फेंकता रहता है। तो इस तरह के भी आजकल मॉडर्न मशीन्स हम यूज कर रहे हैं, हमारे किसान यूज कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे कि डाई अमोनिया फॉस्फेट, DAP, ये याद रखना आप लोग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म वगैरह पूछते हैं, DAP, डाई अमोनिया फॉस्फेट, और दूसरा है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश कंटेंट वाला, यानी NPK। देखो मैंने उसकी फोटो भी ले रखी है, इस तरह का बैग और भी कलर में आते होंगे, बट एक मैंने ऐसा लिया हुआ है। तो इस तरह के अब हम फर्टिलाइजर्स, यूरिया वगैरह सब अब अपने खेतों में यूज कर रहे हैं। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, क्रॉप्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ बायो फर्टिलाइजर्स, मतलब ऐसे फर्टिलाइजर्स जो केमिकल के साथ नेचुरल चीजें मिक्स करके बनाई जा रही हैं, या कई बार ऐसा भी होता है पूरी तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर्स होंगे, तो इस तरह के फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाए जाने लग गए हैं, बायोटेक सीड्स बनाए जाने लग गए हैं, जिससे हमारे किसानों का काम बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। इसके अलावा किसानों को रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, इन सब की मदद से उन्हें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट कोई स्कीम लाती है तो उसके बारे में उनको बताया जाता है, खेती करने के मेथड्स वगैरह भी, कुछ नए नए टाइप के क्रॉप्स कैसे उगाएंगे, कोई फ्रूट पर्टिकुलर टाइप का है तो उसको कैसे उगाएंगे, इन सब के रिगार्डिंग उनको नॉलेज वगैरह शेयर किया जाता है इनके थ्रू। साथ ही साथ DD किसान चैनल देखो, आप देखोगे अपने TV में सर्च करना, इस तरह का लोगो है उसका, आपको मिल जाएगा। इस चैनल पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी फार्मिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने टोल फ्री नंबर्स बना रखे हैं कॉल सेंटर्स के, अगर कोई क्वेरी हो किसानों को तो वो लोग इस नंबर पर फोन करके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट के फार्म वेब पोर्टल्स हैं, ऐसे वेबसाइट्स बनाए हुए हैं जहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि आप ये तरह की चीजें को उगाते हैं, जो भी खरीदने वगैरह वाले लोग होंगे वो आपसे कांटेक्ट वहां पे करेंगे। ऐसे ही ऐप्स बनाए हुए हैं, आई खेडूत ऐप, एग्री मार्केट, ये सब ऐप्स में भी यही है, जैसे कि जो वेब पे होता है वो अब ऐप्स पे भी होने लग गया। किसान ऐप्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकता है, स्कीम्स के बारे में भी इसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, इसके अलावा अपना प्रोडक्ट बेचना है वो सब के रिगार्डिंग भी वो अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह वहां पे कर सकता है। नए नए रिसर्च और नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में
किसानों को ग्राम सेवकों की मदद से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। गांव के ग्राम सेवक होते हैं, इन ग्राम सेवक लोगों को टाइम टू टाइम बुलाया जाता है किसी हेडक्वार्टर में, वहां उनको सब चीजों को रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है, सब स्कीम्स समझाई जाती है। ये लोग गांव में जा जाकर अलग अलग किसानों को वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इस तरह का भी अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने किया हुआ है। इसके अलावा फार्मर ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइप की खेती, फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि मैंगो की खेती कैसे करनी है, तो आप इन ट्रेनिंग सेंटर्स में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाकर वहां पर पर्टिकुलर टाइप के मैंगो की खेती करने के रिगार्डिंग ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो आपको वहाँ ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा गुजरात में देखा जाए तो एग्रीकल्चरल फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं। अब ये एग्रीकल्चरल फेयर्स कैसे होते हैं, नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है मेला, मेला मतलब बहुत सारे झूले होंगे, जाकर एंजॉय करेंगे, शॉपिंग करेंगे, तो वहाँ झूले भले ना हो लेकिन शॉपिंग का अरेंजमेंट होता है। कैसा शॉपिंग, तो वहाँ जाके हम पहली बात वो बंदूक से वो बलून फोड़ना और वो सब रिंग फेंकना वो सब नहीं होता है। यहाँ हमारा ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जब फेयर ऑर्गेनाइज हुआ है तो मैं अगर फार्मर हूँ तो मैं अपने प्रोडक्ट्स का सैंपल लेके जाऊँगा। जैसे मैं गेहूँ उगाता हूँ तो किस किस तरह के गेहूँ उगाता हूँ बैग्स में लेके जाऊँगा थोड़ा थोड़ा। वहाँ जो लोगों को खरीदना है, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनको ज़्यादा अमाउंट में खरीदना होता है, कोई बिजनेस कम्युनिटी है, जो कोई इंडस्ट्रीज हैं उनको भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लोग वहाँ आएंगे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट कहने का मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े बेकर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बेकरीज होती हैं, उनके कई जगह पर आउटलेट्स होते हैं, तो उनको बहुत सारा गेहूँ वगैरह चाहिए होता है, वो पीस के आटा वाटा बना के उससे और भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मैं अगर बहुत बड़ा कोई, मैं तो किसान था ना, सॉरी, कोई पर्टिकुलर आदमी है इसका बिजनेस इन चीज़ों का, वो वहाँ पर विजिट करेगा, बहुत सारे स्टॉल्स लगे होंगे, मैं भी गेहूँ उगा रहा हूँ, कोई और भी उगा रहा है, तो हम सब अपने अपने सैंपल्स लेके आए होंगे और वो अपना हमने वहाँ पर डिस्प्ले में रखा होगा, हम उसके प्राइसेस हमने मेंशन किए होंगे, वो आएगा हमको देखेगा, हमारे सैंपल्स को चेक करेगा, उसको पसंद आया, प्राइस पसंद आया तो वो हमसे डील कर लेगा। जब ये पूरी डील हो जाएगी तो फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट पर जो भी हमारा डिसाइडेड होगा मैं उसको वो सामान सप्लाई करूँगा, वो मुझे पेमेंट कर देगा। तो इस तरह से ना, एक तरह से इस तरह का पूरा सेटअप अरेंज किया जाता है फार्मर्स के लिए, फेयर्स ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खुल रखी हैं, एग्रीकल्चरल कॉलेजेस बने हुए हैं कई जगहों पर, स्पेशली गुजरात के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो जैसे दंतेवाड़ा, जूनागढ़, आनंद, नवसारी, इन सब जगहों पर एग्रीकल्चरल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं। यहाँ पर क्या होता है, आप एग्रीकल्चर को लेकर पढ़ाई कर सकते हो, आप पूरा ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री सब एग्रीकल्चर की फील्ड में कर सकते हो। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर आपने एग्रीकल्चर के रिलेटेड पढ़ाई की है तो आपको इन सभी चीज़ों का नॉलेज होगा कि किसी पर्टिकुलर टाइप की खेती कैसे होती है, सीड्स के बारे में, सबके बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर इस तरह की पढ़ाई करके आप एग्रीकल्चर का काम करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि यार जो अब मान लो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे कुछ चीज़ें मैंने सीखी हैं लोगों से, तो मैं उतना ही काम कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं बहुत सारे और भी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने दिमाग को लगाकर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, जो एक कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ आदमी नहीं कर सकता। तो एग्रीकल्चर में अगर आप पढ़े लिखे हो, पढ़ लिख कर जाते हो, तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इसके अलावा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, ये भी बनाए गए हैं। इनका काम क्या है, तो जैसे कि आपने सुना होगा हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल हम करते हैं, पीछे हमने पढ़ा था कॉटन वाले में BT सीड्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं गुजरात के जो किसान है कॉटन उगाने के लिए, तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है प्रोडक्शन में। तो ये सब कैसे पॉसिबल, तो वो यही इंस्टीट्यूट जो हैं इंडिया के, और भी वर्ल्ड में और भी इंस्टीट्यूट हैं, तो इंडिया में ये लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, कैसे किस किस सीड को हम हाइब्रिडाइज करेंगे। आजकल मार्केट में एक ऑरेंज टाइप का आता है, वो मौसम्बी और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, आप देखोगे तो ऊपर से अपियरेंस उसका ऑरेंज कलर का दिखेगा, ठीक है, लेकिन जैसे मौसम्बी होता है ना, मौसम्बी आसानी से नहीं छीला जाता, उसको चाकू से ऊपर का छिलका से काट काट के, जो लोग जूस वूस बनाने वाले लोग हैं बड़े अच्छे से काटते हैं, हम लोग खुद छीलने बैठे तो अच्छे से छिलाता नहीं है, लेकिन ऑरेंज जो होता है कितनी आसानी से हम छील लेते हैं, है कि नहीं। तो ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, उसको आप माल्टा बोल के मार्केट में बेचा जा रहा है, तो ये ऊपर से पूरा ऑरेंज का अपीयरेंस होता है, इसका टेस्ट भी ऑरेंज जैसा आएगा, लेकिन छिलका विलका जब छीलोगे तो कड़क होगा एकदम मौसम्बी की तरह। जितनी आसानी से ऑरेंज के जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उतने आसानी से ही अलग नहीं होने वाले। तो ये जूस वूस बनाने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अब इस तरह का मतलब पर्टिकुलर फ्रूट डेवलप किया गया है, ये कैसे, मौसम्बी और ऑरेंज का हाइब्रिडाइजेशन किया गया है, क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाया गया है।
तो ये जो रिसर्च करके इस तरह से बनाया जाता है वो सब काम ये लोग देखते हैं कि किसको किसको। अब ऐसा तो नहीं ना कोई भी सीड किसी के भी साथ हाइब्रिडाइज कर देंगे, मिक्स करके बना देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो किसको किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता है, क्या क्या करने से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या फ़र्क आएंगे, ये सारी चीज़ें इन लोग रिसर्च करके मतलब इस तरह के सीड्स वगैरह डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर बात आ रही है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन के तौर पर किसानों को क्या क्या हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है लैंड ओनरशिप, जमीन का जो मालिकाना हक है उसको लेकर नियम कानून बनाए गए, क्रॉप सब्सिडीज देना किसानों को, ठीक है, उनको कोई भी चीज़ मतलब किसानों को हेल्प प्रोवाइड करना, कम से कम दाम में चीज़ें अवेलेबल हो सके तो वो सब उनको हेल्प करवाना, फार्म प्रोडक्ट्स को बेचने में उनकी हेल्प करना, ठीक है, समय समय पर गवर्नमेंट इन लोगों के लिए किसानों के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज बनाती रहती है, ठीक है, जैसे उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना या उनको एजुकेट करना, ठीक है, उनकी क्रॉप में फेलियर्स आ गए तो उसके लिए उनको कुछ हेल्प प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ें आते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में। इसमें टेक्नोलॉजी पर जो काम नहीं किया जाता है उनको सपोर्ट किया जाता है कई तरहों से, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला दिया हुआ है गवर्नमेंट हैज़ डिस्कार्डेड लैंड लॉर्डिज्म एंड स्टॉप्ड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। पहले बहुत पहले क्या होता था ना, जमींदारी सिस्टम चलता था। अब जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि कोई एक जमींदार है, उसके पास बहुत जमीन है, दो तीन गांव भर में उसी की जमीन है, और उसी गांव में 80-90% पॉपुलेशन ऐसी है जिसके पास खेती करने की जमीन नहीं है। तो जिनके पास जमीन नहीं होती थी वो इन जमींदारों के यहाँ खेती करते थे, ठीक है, तो पूरी खेती की फसल जमींदार रख लेता था और उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा इन लोगों को, जो लोग उसके यहाँ काम करते थे उनको वो दे देता था। तो ऐसा था कि जिस किसी के पास बहुत ज्यादा ही है और किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो वो सिस्टम गवर्नमेंट ने हटा दिया, ठीक है, कि नहीं इतना अनलिमिटेड जमीन लोगों के पास नहीं रहेगी, तो वो लैंडलॉर्डिज्म सिस्टम हटा दिया गया है। अब इंडिपेंडेंटली हर कोई अपनी खेती कर सकता है। इसमें लैंड टू टिलर एक्ट बनाया गया, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर आप किसी खेत में कंटिन्यूअस आप ही खेती कर रहे हो, तो कुछ ऐसा ड्यूरेशन है एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा, उतने साल तक अगर आपने किसी खेत में खेती कर दी आप ही अकेले कर रहे हो तो उस खेत का मालिकाना हक आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह के नियम वगैरह बना दिए गवर्नमेंट ने, तो इसी को कहते हैं लैंड टू टिलर। टिलर मतलब जो खेत की जोताई करता है, तो लैंड टिलर जिस जो जोत रहा है वही खेत का मालिक हो जाएगा। इसके अलावा लैंड सीलिंग एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, लैंड सीलिंग एक्ट, ये देखो CEILING, सीलिंग हम छत को बोलते हैं ना जो हमारे घर में ऊपर, तो सीलिंग का मतलब एक अपर लिमिट तय कर दिया गवर्नमेंट ने। जैसे बताया जमींदारी सिस्टम जब हटाया तो पहले अनलिमिटेड जमीन थी, तो जमींदारी सिस्टम तो हटा दिया गया। अब क्या हो रहा है कि एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि आपके पास इतना ही जमीन होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, अगर इससे ज्यादा जमीन आपके पास है तो वो जमीन गवर्नमेंट आपसे छीन लेगी। तो इस तरह का नियम बनाया गया लैंड सीलिंग एक्ट में। तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग थे, बड़े बड़े जमींदार, जिनके पास बहुत सारी जमीनें थी, उनकी बहुत सारी जमीनें छीन ली गवर्नमेंट ने और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया किसको, बाकी छोटे छोटे जो किसान थे उनको। तो इस तरह का लैंड सीलिंग एक्ट वगैरह बना दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, देखो ये क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है, इस तरह का क्रेडिट कार्ड ऑफर किया जा रहा है किसानों को। क्रेडिट कार्ड क्या करता है, देखो अगर आपके पास पैसे नहीं है फिलहाल, ठीक है, कोई चीज़ आपको खरीदनी है तो आप क्या करोगे, क्रेडिट कार्ड से जाके पेमेंट कर दोगे, ठीक है। अब वो पेमेंट आपने तो किया नहीं क्योंकि आपके अकाउंट में तो पैसे नहीं थे, ठीक है। डेबिट कार्ड अलग होता है, डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आप उससे जो भी शॉपिंग करते हो या कैश निकालते हो वो सीधा आपके अकाउंट में से कटता है, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में नहीं है पैसा तो आप डेबिट कार्ड से शॉपिंग या कैश निकालने का काम नहीं कर सकते, लेकिन क्रेडिट कार्ड ऐसा है कि आपके अकाउंट में भले पैसा नहीं है, ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड से चीज़ों का पेमेंट कर सकते हो, कैश निकाल सकते हो, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से, आपके अकाउंट में तो है नहीं, तो ये पैसा आपके बिहाफ पर बैंक पे कर देता है, ठीक है, एक तरह से आपको बैंक लोन दे रहा है। फिर एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जनरली 50 डेज का टाइम पीरियड होता है हम लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो आपने जो भी शॉपिंग की है, जो भी खर्चे किए हैं उस क्रेडिट कार्ड में, मान लो कि आपने 50,000 का शॉपिंग कर दिया है पूरा ले दे के, तो 50,000 रुपये आपको 50 दिन के अंदर जमा कराने, अगर आप नहीं जमा कराते उसके ऊपर फिर तगड़ा इंटरेस्ट रेट चालू हो जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग का प्राइवेट वालों के लिए, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड दे दिया गया। अब इससे क्या होगा, किसान को कोई सामान खरीदना है, मान लो अभी उसके पास पैसे नहीं है, उसको कोई इक्विपमेंट खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है या सीड्स खरीदने हैं, खेती का सीजन आ गया है, तो वो जाके इस तरह से ना कार्ड के थ्रू पेमेंट करके और सामान खरीद सकता है, वो अपना यूज करेगा,
कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, उस टाइम ड्यूरेशन में उसको पे करना रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके बाद में पे कर देगा। अगर मान लो वैसे नहीं पे कर पाता तो उसको एक तरह से उसमें लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके वो ईएमआई में पे करेगा एक साथ नहीं दे पा रहा है तो इस तरह का अरेंजमेंट उनके लिए किया। अब इनको ये देने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट लोन भी तो दे सकते थे। प्रॉब्लम यह है कि किसानों को बैंक जल्दी लोन नहीं देते हैं, बड़े अमाउंट का लोन नहीं देते हैं, प्राइवेट बैंक तो नहीं देते हैं, गवर्नमेंट बैंक कुछ कुछ कंडीशन पर दे देते हैं। क्यों? सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कोलेटरल का, कि मतलब अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया लोन का तो उसके बदले में उससे क्या दिया जाएगा, तो बैंक ये सब चीज़ें देख कर लोन देते हैं। तो किसानों के पास जनरली, छोटे जो किसान होते हैं उनके पास ज़मीन भी बहुत कम होती है और उसकी वैल्यूएशन भी बहुत कम होती है मार्केट में, तो उस हिसाब से ना बैंक्स को वहाँ पैसा लगाना ना प्रॉफिटेबल नहीं दिखता, उनको डर रहता है हमारा पैसा डूब जाएगा, तो उन लोग उनको लोन्स नहीं देते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्रेडिट कार्ड्स दे दिए, कि भाई गवर्नमेंट ने टाइप कर लिया बैंक्स के साथ और इनको क्रेडिट कार्ड दे दिए कि तुम भाई करो, जो भी होगा इशू होगा लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, हम हेल्प करेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही है। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के तहत, ठीक है। अब इसमें इन लोगों को इंश्योरेंस दिया जाता है बहुत कम प्राइस पर, ठीक है, थोड़ा बहुत अमाउंट जमा करते रहो टाइम टू टाइम और आपका क्रॉप इंश्योर्ड रहेगा। क्रॉप इंश्योर्ड रहेगा तो क्या होगा, तो मान लो कि कुछ कैलामिटी आ गई, कुछ इशू हो गया तो पूरी क्रॉप फेलियर हो गई, तो जितना वैल्यूएशन का उसका क्रॉप उगाया था उस किसान ने, वो पैसा उसको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, तो उसका जो नुकसान हुआ था वो रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह से क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा एक्सेसिव रेन, और हाँ इसमें भी क्या होता है कई बार, ये तो इंश्योरेंस उसने लिया है, वो थोड़ा थोड़ा पैसा भरता है तो इंश्योरेंस में, जैसे हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस जब हम लेते हैं तो हमको छोटा मोटा प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है, उतना प्रीमियम हम भर देते हैं तो हमारा इंश्योरेंस कंपनी हमारा इंश्योरेंस क्लियर करेगी। अब मान लो हम बीमार पड़ गए, अचानक हमारा 50,000 का खर्चा हुआ, ठीक है, तो हम लोग कई बार कैशलेस फैसिलिटी होती है, ले जाके सीधा कार्ड स्वाइप करवा दो, दिखा दो, एंट्री करवा दो, तुम्हारा फ्री में इलाज होना चालू हो जाता है। तो फ्री में थोड़ी ना होता है, वो तो हमने वो इंश्योरेंस खरीदा है, उसके लिए हमने कुछ पैसा पे किया है, बराबर है, छोटा अमाउंट ही होता है, कई बार तो वो इंश्योरेंस वसूल भी नहीं होता है। तो इनका भी वैसा ही है, थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट भर के लोग इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, तो उसमें इंश्योरेंस लिया है, क्रॉप फेलियर होगा तो पैसा मिल जाएगा, नहीं फेलियर हुआ तो कुछ नहीं, तो यहाँ पैसा देना पड़ रहा है थोड़ा बहुत अमाउंट। लेकिन ये क्या दिया है कि देखो, अगर उसने इंश्योरेंस नहीं भी लिया है, ठीक है, तो उस केस में अगर उसका क्रॉप वगैरह डैमेज होता है तो उस केस में ना गवर्नमेंट क्या करती है, इनको फाइनेंशियल हेल्प देती है, यानी कुछ पैसा प्रोवाइड करवाती है, कि देखती है कि भाई क्या नुकसान हुआ। जैसे अभी बाढ़ आ गई कई जगहों पर, तो बाढ़ आ जाते हैं उसके बाद गवर्नमेंट सर्वे करती है, फिर उनको लगता है हाँ यार बहुत लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं, तो गवर्नमेंट उनके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवा देती है। तो फिर इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत क्या है अगर गवर्नमेंट इस तरह से दे ही रही है, तो ये तो दिमाग में सवाल आएगा ही। तो बात यह है कि आपने जब इंश्योरेंस लिया है तो उस केस में क्या होगा कि जितना आपका नुकसान हुआ है उसके हिसाब से पूरी भरपाई वो बैंक आपको करके देगा, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको करके देगी, क्योंकि आपने उसको पैसा दिया है। तो आप छीन लोगे, कॉलर पकड़ के बोलते मेरा पैसा दे भाई, मेरा नुकसान हुआ है। यहाँ क्या है, यहाँ सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, और यहाँ एक अगर मेरा खाली फसल बर्बाद हुआ किसी रीजन से तो उसके लिए गवर्नमेंट मेरे को पैसा देने नहीं आएगी। बड़े स्केल पर किस पूरे एरिया में नहीं भी तो 1,000-2,000 किसानों का नुकसान हो गया है, बाढ़ आ गई थी, ऐसा कुछ हो गया था, तो गवर्नमेंट चेक करती है और उसके बाद वो पैसा देती है। और वो भी जो पैसा देती है ना गवर्नमेंट, तो वो जनरली कम अमाउंट ही होता है, ठीक है, कि आपका जो आपने पैसा लगाया था बीज का, फर्टिलाइजर का, उस हिसाब से वो पैसा दे देती है, पूरे क्रॉप की वैल्यूएशन के हिसाब से पैसा नहीं दे पाती है गवर्नमेंट, इतना सारा पैसा कहाँ से दे पाएगी। यहाँ आपका पूरा का पूरा पैसा वसूल हो सकता है, इसलिए इंश्योरेंस लेना बेनिफिशियल होता है उन लोगों के लिए। फिर बात करें लीगल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना, कई बार किसानों के साथ ठगी हो जाती है, जहाँ वो लोग इस तरह के क्रॉप, जैसे बता ना फार्म फेयर्स होते हैं, फार्मर्स के फेयर्स होते हैं, एग्रीकल्चरल फेयर्स, इन सब में गए, या किसी बड़े लोग के साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो इनके साथ कई बार धोखाधड़ी हो जाती है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर किसान आपने पीछे पढ़ा कि पढ़े लिखे नहीं होते, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं और कुछ लोग नहीं भी पढ़े लिखे, मान लो पढ़े लिखे हों भी, तो यार हम ही अगर पढ़े लिखे तो हमको थोड़े ना सारे नियम कानून पता होते हैं, लॉ के बारे में नॉलेज होता है, अगर इतना ही होता तो वकीलों की जॉब नहीं खा जाते हम लोग खुद ही अपना काम कर लेते, तो एडवोकेट्स किस लिए होते हैं। तो यही है कि अब वो एडवोकेट्स की हमको फीस वगैरह देनी पड़ती है। गवर्नमेंट किसानों के लिए लीगल सपोर्ट्स प्रोवाइड कर रही है, या तो फ्री में या तो बहुत कम दाम में, ठीक है, तो उनके साथ अगर कोई ऐसा चीटिंग धोखाधड़ी होता है तो उनके केसेस लड़ने में गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। फैसिलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केट एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव वेयरहाउसेस, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं किसानों के लिए, छोटे छोटे मतलब लोग अपने आप में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं,
ठीक है, और उस हिसाब से जो प्रॉफिट होता है उसको वो लोग शेयर कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, जैसे खास करके शुगर मिल्स को लेकर, जितने भी हमारे मतलब लगभग शुगर मिल्स हैं सब कॉपरेटिव बेसिस पर ही चलते हैं। जितने किसान उनको गन्ना वगैरह सप्लाई करते हैं वो सभी उसके मेंबर्स हैं। दूध के रिगार्डिंग जो हम या अमूल अमूल को दूध सप्लाई करते हैं लोग किसान, वो भी उसके मेंबर्स हैं, उस कंपनी के एक तरह से देखा जाए तो पार्टनर्स हो जाते हैं। तो ये होता है कॉपरेटिव सिस्टम। तो ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे कॉपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई हैं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। कोल्ड स्टोरेजेस बनाए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोल्ड स्टोरेजेस क्या होते हैं कि मान लो कि इस सीज़न में फसल उगी है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आलू पूरे साल तो उगता नहीं है, तो मान लो कि एक सीज़न में आलू उगा, ठीक है, लेकिन बिकता पूरे सीज़न में, देख रहे हो आप, ऐसा तो है नहीं ना कि जिस सीज़न में आलू उगता है उस सीज़न में मिलता है, हर सीज़न में आलू मिलता है कि नहीं, तो क्यों मिलता है? तो जैसे मान लो कि एक सीज़न में उगा तो कुछ मार्केट में गया, कुछ उसको स्टोर करके रख दिया जाता है, स्टोर करके रख दिया जाता है, समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके उसको निकाला जाता है ज़रूरत के हिसाब से। तो वो स्टोर करके कहाँ रखेंगे, वो सड़ बढ़ जाएगा। तो सड़ने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, बहुत बड़े चार चार पाँच पाँच फ्लोर के बहुत सारे बड़े बड़े हॉल होते हैं, उसमें बोरे बोरे भर के आलू को रखा जाता है और उसका पूरा टेम्परेचर कम रख के मेंटेन किया जाता है, ठंडा रखा जाता है। तो इनको कहते हैं कोल्ड स्टोरेजेस। खाली आलू ही नहीं, कई तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सबको स्टोर किया जाता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं, समय समय पर लोगों के लिए अवेलेबल हो सके। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप का सामान है, कोई फ्रूट वेजिटेबल ऐसा कुछ है, वो लगभग पूरे साल हमको मिल जाता है। हाँ, ऑफ सीज़न उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, सीज़न के दौरान उसकी कीमत कम होगी, बट अवेलेबल आपको रहेगा वो। तो ये कोल्ड स्टोरेजेस, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में भी उनको हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, जैसे कि नाफेड, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, फिर गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन ग्रोफेड, इन सबके फुल फॉर्म याद रख लेना, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये लोग क्या करते हैं, ये किसानों से उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर साल कि इस तरह के फार्म प्रोडक्ट के लिए ये मिनिमम प्राइस है, इससे कम प्राइस किसान को नहीं मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा भले मिल जाए। तो उस तरह के जो प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं उस प्राइसेस पर ये लोग किसानों से सामान वगैरह खरीद लेते हैं। देखो ये ऑयल सीड्स वगैरह खरीद रहे हैं, यहाँ पर डेयरी वाले हैं तो मतलब ऑयल दूध वगैरह खरीदते हैं उनके किसानों से, और ये बाकी सब प्रोडक्ट खरीदते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, आपने कई बार सुना होगा इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बढ़ गया, ठीक है, तो लोगों के दिमाग में ये मतलब भरा हुआ है ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ इंडिया का प्रोजेक्ट था, इंडिया में हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, इंडिया में भी इंप्लीमेंट हुआ, ठीक है, तो इंडिया में जो इंप्लीमेंट हुआ वो एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का पार्ट था, बराबर है, 1960s में लगभग ये शुरू हुआ था। ये जो भाई साहब हैं, ठीक है, ये जो बाइडन जैसे जो दिख रहे हैं, इनका नाम है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ये जो नॉर्मन भाई हैं ये कहलाते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंटरनेशनल लेवल पर इस प्रोजेक्ट को लीड करने वाले ये हैं। ये दोनों ही जन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट को लीड किया, इन्होंने इंडिया में इस प्रोजेक्ट को लीड किया। इनका नाम क्या, देखो, मनकोम्बो संबसिवन स्वामीनाथन, यानी MS स्वामीनाथन, ठीक है, इन्होंने इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को लीड किया। तो ये दोनों ही एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, इन लोगों ने अब ऐसा क्या किया, लीड किया तो मतलब क्या किया, तो जैसे ना उस दौर में ना पूरी दुनिया में ना ये फेमाइंस वगैरह आ जाते थे, ठीक है, तो भुखमरी से बहुत सारे लोग मारे जाते थे, स्पेशली एशिया में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर थी। तो लोगों ने क्या किया, लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं कि भाई कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो प्रॉब्लम क्या आती थी, मान लो कि किसी तरह की फसल है, कोई बीमारी फैल गई, सारी की सारी फसलें उस पूरे इलाके में, पूरे एशिया में या पूरे देश में या यूरोप में एक साथ ही बर्बाद हो गई पूरी फसल। तो जब एक साथ इतने बड़े स्केल पर फसल बर्बाद होगी तो किसी को खाने के लिए क्या मिलेगा, तभी तो आएगा फेमाइन। तो इन सब से निपटने के लिए रिसर्च वगैरह करके ऐसे सीड्स डेवलप किए गए, हाइब्रिड सीड्स डेवलप किए गए जो इस तरह की बीमारियों से लड़ सकें, पानी की कमी होने के बाद भी उग सकें, मतलब बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर दिए गए। तो अलग अलग जगहों के जैसे सीड्स होते हैं, कहीं देख रहे हैं कि इसकी बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी अच्छी है पर प्रोडक्शन इसमें से कम आता है, किसी जगह देख रहे हैं कि उसमें से प्रोडक्शन बहुत अच्छा आता है बट वो बीमार बड़ी जल्दी हो जाता है उस तरह का प्लांट। तो इनको मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करवा के नए तरह का सीड्स डेवलप करना, तो इस तरह की चीज़ें की गई, ठीक है। तो वो करके देखा गया तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला, और ख़ास करके एशिया के देशों में इसका बहुत तगड़ा इम्प्रूवमेंट रहा, इंडिया, पाकिस्तान,
इन सब जैसे देशों में काफ़ी इसका बेनिफिट देखने को मिला। तो इस वजह से जो देश पहले खाने के लिए परेशान रहते थे, अब वो देश सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, खुद के दम पर इतना उगा ले रहे हैं कि किसी की और जरूरत नहीं पड़ती। तो इससे हुआ क्या, देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन के अंदर। अब इसमें और क्या क्या किया गया था, देखो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना, इम्प्रूव्ड सीड्स का इस्तेमाल करना, फार्मर्स के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डाले गए, ठीक है, वाइड स्प्रेड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी हर जगह प्रोवाइड करवाई, फैसिलिटीज फॉर इरीगेशन, इरीगेशन की फैसिलिटीज इंप्रूव करवाई गई, कैनाल्स का नेटवर्क फैलाना चारों तरफ, ट्यूबवेल्स लगवाना। तो इस तरह से किसानों को हर तरह की हेल्प प्रोवाइड की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाला जा सके। इसी को कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑफकोर्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाना, इस ऑब्जेक्टिव से इसको लॉन्च किया गया था। फार्मर्स को समझाया जाता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि भाई आप ये वाला फर्टिलाइजर यूज़ करो, फर्टिलाइजर को कब छिड़कना है, ठीक है, कितना छिड़कना है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाने लग गई, ठीक है। फिर इसकी वजह से वीट और पैडी का प्रोडक्शन जो था वो बहुत ज़बरदस्त हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर शॉर्ट नॉट के तरह आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। फिर वेयर देयर वॉज अ स्कैर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री, टूडे देयर इज सफिशियंट स्टोरेज ऑफ द फूड ग्रेन्स। अब तो इतना स्टोरेज हम अपने देश में कर ले रहे हैं, ये तो खाली इंडिया के ही नहीं, सबके लिए हो सकता है। हम अपने इंडिया की बात करें तो पहले हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमाइस आ जाते थे, अब हमारे पास इतना स्टॉक रहता है कि हम इस साल का तो पूरा यूज़ कर ही लेते हैं, अगले साल का भी स्टॉक जमा करके रखते हैं, ठीक है, जिसे हम बफर स्टॉक वगैरह कहते हैं। तो अगर मान लो अगले साल क्रॉप फेलियर हो गया किसी भी रीजन से, तो भी अगले साल हमारे पास खाने जितना अनाज रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टोरेज रखा जाता है, और अगले साल अगर नई फसल फिर से अच्छी आई तो नई वाली फसल को स्टोर करके पुरानी वाली फसल को फिर से मार्केट में निकाल दिया जाता है और उसको बिछा दिया जाता है। फिर वही चीजें फिर बार बार बता रहे हैं भाई, जो पहले ड्रॉट वगैरह हो जाता, ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाना, मतलब बारिश वारिश पर डिपेंडेंट रहते थे किसान, बारिश ही नहीं होगी तो फसल बर्बाद होगी, तो ये सब चीज़ें हो जाती थी इंडिया में बड़ी आसानी से। लेकिन अब हम देखें कि ड्रॉट होने के बावजूद भी हम लोग खेती कर ले रहे हैं, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज भी हमने इम्प्रूव कर दी है, तो पूरी तरह से रेन पे डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि ज़्यादातर लोग आज भी रेन पे डिपेंडेंट हैं, नुकसान तो होगा बट पूरी तरह से जीरो हो जाएगा ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, सेल्फ सफिशिएंसी एक तरह से देखा जाए तो हिस्टोरिक अचीवमेंट है इंडिया के लिए, ये बताया जा रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। इसके अलावा हमारे किसान बहुत सारा कैश क्रॉप्स उगाने लग गए हैं, पल्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं, क्या लिखा, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप हैज इंक्रीज एंड द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड अदर सेरल्स हैज डिक्रीज्ड। कैश क्रॉप पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ये जो पल्सेस हैं और सेरल्स हैं इनके प्रोडक्शन पर अब कम फोकस किया जा रहा है, इनका प्रोडक्शन कम हो गया है। खास करके पल्सेस की बात करें, जो दलहन है, आप देख रहे हो पिछले कई सालों से चीज़ों के रेट्स फ्लक्चुएट तो होते हैं, बढ़ते हैं घटते हैं बढ़ते घटते हैं, लेकिन जो दाल के आइटम हैं इनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं होते हैं। क्यों नहीं कम हो रहे, क्योंकि अब किसान ना पल्सेस वगैरह पर फोकस कम करने लग गए हैं, उसका प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, पल्सेस की बड़ी प्रॉब्लम है, इनको ना कीड़े बड़ी जल्दी लग जाते हैं इनके प्लांट्स में, तो ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद भी कई बार इस केस में ना प्रोडक्शन नहीं होता है। तो प्रोडक्शन को लेकर किसान बहुत परेशान रहते हैं, इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा कर देते हैं, आउटपुट उस हिसाब से उनको नहीं मिलता, तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। कैश क्रॉप्स में क्या बेनिफिट है, अब यार कैश क्रॉप तो यार नाम ही कैश क्रॉप रखा है कि उगाओ बेचो पैसा कमाओ, तो उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। उसी खेत से आप पल्सेस उगा के जितना पैसा कमाओगे उसके चार गुना पाँच गुना कमा लोगे कैश क्रॉप से। तो लोग किसान लोग फोकस कर रहे हैं कि कैश क्रॉप्स उगाया जाए, इस वजह से इनकी प्रोडक्शन कम हो गई है, ठीक है। फिर हालांकि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लगा लगा कर, और हम पीछे रह गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक और ग्रीन रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए ताकि हम बाकी देशों से आगे निकल सकें। तो इस हिसाब से अब आता है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का रोल क्या है, तो इंडिया के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद से बहुत सारी फील्ड्स और डेवलप हुई हैं, तो एग्रीकल्चर पर प्रेशर थोड़ा कम हुआ है, बट फिर भी बहुत कुछ है डिपेंडेंट एग्रीकल्चर पर। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू वन ऑफ द पॉपुलेशन, देश की लगभग 50% आबादी को तो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से मिल रहा है। देश का 17% GDP जो है वो भी एग्रीकल्चर से ही आ रहा है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्रॉप्स वगैरह हमारे उगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज देश में आ रहा है, हम इनको बेचकर फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर वगैरह कमा रहे हैं। इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड इन एग्रेरियन प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के मामले में इंडिया दुनिया में सेकंड पर आता है।
फिर कॉटन, टेक्सटाइल, सुगर, पेपर, ऑयल एक्सेट्रा, ये सब जो डेवलप हो रहे हैं वो किस वजह से डेवलप हो रहे हैं? एग्रीकल्चर की वजह से ही। सबके रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आते हैं। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू पीपल ऑफ इंडिया। ऑफकोर्स खाने पीने का सब तो हमको एग्रीकल्चर से ही मिलता है, तो ये एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में, इंडिया की इकोनॉमी में क्या रोल है, इस तरह से ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे, तो इसको ऐसे याद रखना है। वी हैव बिकम सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। ये तो पीछे का पॉइंट ही है, एक तरह से देखा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं। और गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू लोगों को फूड्स प्रोवाइड कर रही है, अनाज वगैरह सस्ते दामों में या फिर फ्री में प्रोवाइड कर रही है। सुना ही होगा आपने, सस्ते दाम में रेशन शॉप्स पर मिलते हैं या फ्री में भी मिलते हैं। कई बार वो एडवर्टाइजमेंट आता है मोदी जी का, वो बताते हैं कि 60 करोड़ लोगों को हमने फ्री में अनाज बांटा, कोविड से लेके अब तक बांट रहे हैं। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हो रहा है, ठीक है, कि जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री में या तो सस्ते दाम में चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट पर ग्लोबलाइजेशन का क्या असर पड़ रहा है? ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमने पीछे के चैप्टर से पढ़ा ही था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बहुत आसान हो गया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हम दूसरे देशों को सामान बेच भी रहे हैं, वहां से सामान खरीद के ला भी रहे हैं, जो हमारे देश में नहीं होता। कॉटन, चिलीज, तिल, ये जो है इंडिया के बहुत स्पेशल चीजें थी जो ज्यादातर दूसरे देशों में नहीं मिलती थी, दूसरे देशों में नहीं होता था। अब चाइना के मार्केट में इंडिया से ये सारी चीजें जाने लग गई हैं, ठीक है, और भी वर्ल्ड के बाकी हिस्सों में भी जाने लग गए हैं, फ्रूट्स वगैरह भी हमारे। फिर दुनिया के देशों से भी फ्रूट्स वगैरह इंडिया में अवेलेबल होने लग गए हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें, पहले ये कीवीज, ये ड्रैगन फ्रूट, ये सब हमारे देश में नहीं देखने को मिलता था, ठीक है, लेकिन अब ये हमारे देश में भी मिलने लग गया है। तो क्यों? दूसरे देशों से आके बिक रहा है, अब तो हम अपने देश में भी इनकी खेती करने लग गए हैं। इसके अलावा बीटी सीड्स की हम बात करें, जैसा हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, तो इनकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है, महंगे आते हैं, इसके वजह से थोड़ा फार्मिंग का जो खर्चा है वो थोड़ा बढ़ गया है, ये कह सकते हैं। कॉटन और मेज का प्रोडक्शन बढ़ गया है इंडिया के अंदर। इंपोर्ट आसान होने की वजह से डोमेस्टिक फार्म प्रोडक्ट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। अब देखो, दूसरे देशों से ऐसे वैरायटी के फ्रूट्स आ रहे हैं जो ज़्यादा मीठे हैं, ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि अगर मैंगो की बात करें तो बड़ा पल्पी है, या इस तरह के फ्रूट्स हैं, तो लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, तो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को उतना पूछ नहीं रहे हैं, तो उसके वजह से इंडियन फार्मर्स को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेके पेटेंट करवाना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आपने पेटेंट नहीं करवाया तो कोई दूसरे देश वाला उसको पेटेंट करवा लेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे देश में ही सबसे पहले पाए जाते थे, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों ने उसका पेटेंट ले लिया, तो हम लोग बेचारे, मतलब अब हमको वो चीज़ें उगाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा हो जाता है अगर किसी ने पेटेंट ले लिया है तो इन चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम थोड़ा होता है हमारे देश को, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू रजिस्टर क्वालिटेटिव फार्म प्रोडक्शन एज नेशनल पेटेंट इन द वर्ल्ड मार्केट। अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइप की चीज़ उगा रहे हो, ठीक है, तो आपको उसका पेटेंट लेना पड़ेगा। आपने मैंगोज के बारे में सुना होगा, बहुत सारी वैरायटी के आते हैं, केसर आता है, लंगड़ा आता है, राजापुरी, तोतापुरी, अलग अलग तरह के आते हैं। इसको भी लोग टाइम टू टाइम डेवलप करते हैं। जैसे केरला में एक आदमी, केरला नहीं, तमिलनाडु में है एक इंसान, वो पर्सन, केरला है तमिलनाडु एग्जैक्टली मुझे नहीं याद आ रहा, वो पर्सन अकेला 108 वैरायटी के बनानास उगाते हैं। आप पढ़ना, थोड़ा गूगल पे सर्च करना, आपको मिलेगा। तो वो जो है कि वो इतने वैरायटी के बनानास उगा रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर टाइप का उन्होंने डेवलप कर लिया, तो उसका उनको पेटेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, वरना आपको उसका राइट नहीं होगा उसको सेल करने का, दूसरे से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब ये क्यों हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन कैसे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर सब चीज़ें हो गई हैं, तो अगर आपने पेटेंट नहीं लिया तो आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच नहीं सकते, ये सब लिमिटेशंस हो जाएंगी। फिर टू फेस द कंपटीशन इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया विल हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। अब ये जो कंपटीशन हमको दुनिया भर में मिल रहा है, इससे लड़ने के लिए हमको टेक्नोलॉजी पर काम करना पड़ेगा, क्वालिटी पर काम करना पड़ेगा, बहुत सारे हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, अपने लोगों के हेल्प करनी पड़ेगी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो लगभग यार सब चीज़ें मैं इतनी जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पीछे के टॉपिक्स में हमने कवर ही कर ली हैं। अब हमें सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी टफ कंपटीशन है एग्रीकल्चर के फील्ड को लेकर। अब ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज मैंने इसलिए डाली
इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो आप पढ़ लिख के अगर हमारे यहाँ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे तो ये जो चीज़ें आप बताई गई हैं कि हमको इंटरनेशनल लेवल में जो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है उससे लड़ना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो ये तब पॉसिबल होगा ना जब एजुकेटेड लोग भी एग्रीकल्चर में जाएंगे। तो ये कहने का मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है, ये किसानों के साथ इन्वॉल्व होकर खेती कर रहा है या खुद भी खेती कर रहा है तो हम काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम्स जो दुनिया में फेस हो रही है, हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम उनसे लड़ सकते हैं। तो चैप्टर खत्म हो गया है, फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिसको ज़रूरत है उसको फ़ायदा हो जाएगा और हमारी भी रीच बढ़ेगी तो हम भी मोटिवेट होंगे और वीडियोज़ बनाने के लिए। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।